हेलो एवरीवन, मैं हूँ रोशनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिनों से, मतलब 4-5 दिनों से मैंने नीचे की किचन से कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था, तो सोचा कि आज नीचे का किचन आपको दिखा दूं मैं। तो बस अभी आ गई हूँ नीचे खाना बनाने के लिए। अभी बजे शाम के 5:30 और बस अभी खाना बनाऊंगी। उसके पहले जो है ना, पीयू को छोड़ने के लिए मुझे जाना है डांस क्लास, क्योंकि बाबा जो है बाहर चले गए हैं। तो पीयू को अभी छोड़ने के लिए मुझे डांस क्लास जाना है, और उसके बाद जैसे उसकी क्लास हो जाएगी, आज जो है बाहर जाने का प्लान बना है, क्योंकि मुझे कुछ चीजें थी मेरे लिए लेनी थी और एक दो सामान। तो बस अभी बाहर जाऊंगी हस्बैंड के साथ, और वहीं से मतलब पीयू को डांस क्लास से ले लेंगे। अगर आई बाबा घर पे आते हैं तो ठीक है, बच्चों को घर में छोड़ के जाएंगे। अगर अदरवाइज जो है ना, पीयू और अनाया को, मतलब पीयू को डांस क्लास से ले लेंगे, और हम लोग चले जाएंगे मार्केट। और थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, तो आपको आज वर्धा का मार्केट भी दिखाती हूँ। और ये जो ब्लॉग है ना, इसका एक ब्लॉग जो है मॉर्निंग जो मैंने शूट किया है, ये जा चुका है, और ये वाला ब्लॉग जो है नेक्स्ट डे आएगा। तो मतलब एक ही दिन में मैंने दूसरे ब्लॉग की जो तो बस यहाँ से थोड़ी देर बाद अभी पीयू को छोड़ती डांस क्लास, जैसे खाना बन जाएगा तैयारी करके निकलते हैं मार्केट, और फिर मिलते हैं आपसे मार्केट में। अनाया जो है ना, अभी भी झूले में सोती, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ बेटा, बस पीहू को फिर ट्यूशन से छोड़ के आने के बाद कुकर मेरा हो चुका था, तो यहाँ पे मैंने जो है आज है ना मिक्स दाल बनाई थी, तो बस उसी को तड़का लगा दिया। क्योंकि मॉर्निंग का शेड्यूल मैंने आपको दिखाया था कल वाले वीडियो में कि मैंने जो है ना झुनका बनाया है, और जो मसाले वाले आलू थे वो बनाए, तो बाबा ने बोला कि शाम को उनको दाल तड़का ही खाना है। तो बस यहाँ पर चावल रोटी और दाल तड़का मैंने बना लिया था। पीयू रेडी, और बाबा आई बाबा जो आ गए हैं घर पर, तो पीयू को लेकर नहीं जाऊँगी मैं भी मार्केट, तो बस मैं, अनाया और ये जाएंगे मार्केट। तो रोज दिन में आपको मेरे पोर्च का मैं व्यू दिखाती हूँ, आज मैं आपको रात में दिखाती हूँ। तो बस इस तरह से कुछ रहता है हमारा पोर्च रात के टाइम पे। तो बस अभी निकलते हैं मार्केट में, जो भी खरीदी करूँगी दिखाऊंगी पॉसिबल हुआ तो, और चलते हैं वर्धा का मार्केट देखने। आज मतलब आज आपको मैं वर्धा का मार्केट दिखाती हूँ, मेरे ख्याल से कुछ वीडियोज़ में मैंने दिखाया है, तो आज फिर से चलते हैं वर्धा के मार्केट में। तो निकल गए हैं मार्केट, और मुझे ना रात के टाइम घूमना बहुत अच्छा लगता है। मतलब अगर मार्केट जाना है, कुछ शॉपिंग करना है ना, तो रात का टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट टाइम है। अगर कंपेयर करो ना दिन और रात में, तो रात के टाइम में मैं कंसीडर करती हूँ। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइटिंग्स वगैरह होती है, माहौल मतलब जो इन्वायरमेंट होता है थोड़ा सा ना ठंडा सा होता है, और अभी तो गर्मियाँ भी है, तो दिन के टाइम तो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्ट होता है, तो मतलब गर्मी के कारण चिड़चिड़ाहट काफ़ी ज़्यादा होती है। हाँ, पहले वो गली में चलते हैं, ठीक है। तो जहाँ से मैंने दिखाया, बस वही वर्धा का जो मेन मार्केट है, यहीं के मतलब चारों तरफ जो है ना, जितनी भी गोल्ड वगैरह की जो मेन शॉप्स वगैरह, क्लॉथिंग क्लॉथ्स की वगैरह, सब कुछ यहीं पे। तो मुझे आज लेना था मेरे लिए प्लाजो और डेली वेयर के लिए घर के, और जो बच्चों के लिए ना गर्मी के कपड़े लेने थे, तो बस इसी चीज़ के लिए मैं आ जाई थी। मार्केट मार्केट चले गए ना, तो फिर लेने कुछ और जाते हैं, खरीद के कुछ और आते हैं। ऐसा है कि जो तो लेने के पर्पज से गए थे तो लेके ही आते, लेकिन कुछ चीज़ें और भी पसंद आ जाती है वो भी ले आते, तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। तो लेने तो मैं गई थी प्लाजो वगैरह, तो मुझे कुर्तियाँ भी पसंद आई, तो मैं वो भी लेके आई हूँ आज। और बस यहाँ पे देखे, लेकिन उतने नहीं पसंद आए थे प्लाजो, तो बस मैं प्लाजो तो एक ही लेके आई थी, लेने तो 3-4 थे क्योंकि डेली वेयर के लिए मुझे चाहिए थे, लेकिन नहीं मिला मुझे जैसा मुझे चाहिए था वैसा। और यहाँ पे जो है मैंने ली है मेरे बालों में लगाने के लिए मेहंदी, क्योंकि एक आधी महीना हो रहा है शायद मैंने मेहंदी नहीं लगाई है, इससे मैंने मेहंदी ले ली। और यहाँ से हम लोग जा रहे थे, जो फोर व्हीलर है ना उसने ना स्कूटी को टक्कर मार दी, उसका जो पैर रखने का स्टैंड होता है ना वो टूट गया, लेकिन जो उसके ऑनर थे मतलब स्कूटी के, वो शॉपिंग में इतने बिजी थे ना कि उनको पता नहीं चला। बाकी आजू बाजू जितने भी लोग खड़े थे, और हम सब देख के हंस रहे थे कि यार इतने मगन है शॉपिंग में कि उनको पता भी नहीं चला कि गाड़ी पीछे से गई और उनका जो पैर रखने का स्टैंड है वो भी टूट गया है। इसके बाद हम लोग जैसे निकल रहे थे घर के लिए ना, तो यहाँ पे चनाचोर वाला था, तो ये मैंने ले लिया, मुझे बहुत पसंद है। और मैं जब छोटी थी तो मेरे घर के पास जो है ना, मतलब कॉलोनी में अंकल आया करते थे रेड कलर की पेटी लेके, जिसके अंदर वो सारा सामान रखा करते थे। यहाँ से ना चनाचोर ले लिए, और उसके बाद हम लोग निकल गए थे बेकरी की तरफ, क्योंकि पीहू की फरमाइश थी कि उसे पेस्ट्री चाहिए। तो बस यहाँ पे पहुँचने के बाद जो है अनाया के लिए पेस्ट्री ले ली थी, अनाया और पीहू दोनों के लिए, क्योंकि अनाया को लेके नहीं आई थी, आई बाबा आ गए थे और वो जागी हुई थी ना, तो इससे उसे घर पे ही रख दिया था, फिर बच्चे परेशान भी हो जाते जैसे मार्केट में घूमो तो। घर अभी देखते हैं अनाया और पीहू का रिएक्शन,
कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी पेस्ट्री आ गई है अंदर, खेल रही है दोनों, यहाँ विंडो से दिख रहा है दोनों खेल रही है। चलो ना अंदर, सरप्राइज है ना यार। दोनों खुश हो गई। और खाना खाई अनाया, खाना खाई? अब यहाँ पे मिल रही हूँ मैं सीधे आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो जो बच्चों के लिए ना, आज मैंने आलू के पराठे बना दिए थे, तो पियो को भी टिफिन में मैंने वही पैक करा दिया था, और जो अनाया है उसके लिए भी यहाँ पे वही बना रही हूँ मैं। और अनाया का जो पराठा होता है ना, उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती हूँ मैं, क्योंकि तीखा तो ज़्यादा ऐसे खाती नहीं है। तो उसमें बस हरा धनिया, हल्दी और थोड़ा सा जीरा पाउडर ये ऐड करके उसके लिए पराठा बना देती हूँ मैं। जो 30 डेज का जो मैंने अपने आपको चैलेंज दिया है, मतलब 30 डेज मुझे रेगुलर व्लॉग अपलोड करने हैं, हालांकि थोड़ी मुश्किल हो रही है रोज़ व्लॉग बनाना, एडिट करना, मेरे लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, मतलब क्योंकि घर के भी काम वगैरह होते हैं। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं यार, ये तो मुझे करना ही है। और आज है गुरुवार और आई बाबा का उपवास है, तो फिर नीचे जाके जो है ना, आई बाबा के लिए उपवास का भी बनाने का था आज मुझे। अनाया की डाटक, कैसा बनाना है पराठा? अच्छा लग रहा है? दही के साथ दूं कि सॉस के साथ में खाएगी? पूरे टाइम नौटंकी चालू रहती है ना अनाया। तैयार है अनाया का पराठा। अच्छा तो बोली मेरा फोटो बनवा रही थी। फोटो नहीं, वीडियो बना रही थी। अच्छा तो मेरा वीडियो बना रही थी। बना रही हूँ। ये ले पहले खा फिर बाद में। तो बस जो है अनाया को जो मतलब जो खाना था ना उसको वो खिला दिया, और उसे सॉस बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब सॉस के साथ वो हर चीज़ खा लेती है ऐसा उसका, तो उसे खिला दिया है। और मैं आ गई हूँ नीचे, तो यहाँ पे आई बाबा के लिए जो ना आज भगर बनाना था। वैसे तो गुरुवार के दिन ना हमेशा उसर, मतलब जो साबुदाना होता है ना वो खाते हैं, लेकिन अभी जो उनका मन था भगर खाने का ही था, तो बस उन लोगों के लिए भगर बना दिया। और फीका ही बनाया है, पूरा फीका नहीं बनाया है, क्योंकि आई बाबा के लिए ही बनाना था, तो अलग अलग आई ने, मतलब जब उसर या भगर होता है ना तो इकट्ठे ही बना लेते हैं, और उसके बाद जो हरी मिर्ची होती है ना वो तल देते आई के लिए अलग से, ताकि आई जो है ना मिक्स करके खा ले बाबा, क्योंकि तीखा तो नहीं खाएंगे। तो बस यहाँ पे वही जो हरी मिर्ची है ना अलग से तल के रख दी आई के लिए, ताकि जैसे ही भगर बन जाएगा तो उसके साथ जो है ना अलग से वो मिक्स करके खा सकती है, तो आई बाबा दोनों को ही काम आ जाएगा। तो यहाँ पे भगर जो है रेडी है। फिर मैं आ गई थी ऊपर, और ऊपर आने के बाद जो ना सलाद वगैरह मैंने कट करके रख दिया था फ्रिज में, जाने के पहले ही मैंने कट कर दिया था जैसे मेरे किचन के काम हुए थे। तो ऊपर आ गई हूँ, और मैं बताती हूँ कि मैं आज कैसे सलाद खाती हूँ। मतलब आप हमेशा देखते हो ना कि सलाद बनाया लेकिन खाया कैसे। तो यहाँ पे मैंने ना ककड़ी, गाजर और शिमला मिर्च और बीट वगैरह सब कुछ ले लिया, साथ ही स्प्राउट्स भी ले लिए, और ये फली दाने जो भून के ना इनका कूट कर लिया था, मतलब कूट लिया था कलबत्ते में, और ये गीले वाले नारियल का ना कीस आपको दिखाया था मेरी ग्रॉसरी में कि हम लोग गीला वाला नारियल लेके आते हैं। और ये इमली की चटनी है जो खजूर डाल के मैंने घर पर बनाई है, इसकी जगह ना हम लोग सॉस भी ले लेते कभी कभी, इमली की चटनी अदरवाइज़ कभी सॉस, और थोड़ा दही और नमक और काली मिर्च डाली, लेकिन नमक काली मिर्च बहुत कम रखनी है, अदरवाइज़ इसका टेस्ट जो है ना अच्छा नहीं लगता है। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद ना इसका फ्लेवर जो है बिल्कुल चाट की तरह आता है, बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इतना भी खा लो ना तो आपका पेट जो ना फुल हो जाएगा। और अभी क्या, एक महीने बाद मेरी जो कज़न सिस्टर है उसकी शादी, तो थोड़ा सा मेंटेन करना, और मैं इतनी ज़्यादा फूडी हूँ ना कि मैं दिन भर कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ, तो अगर एक बाउल भी सलाद का खा लिया ना तो मुझे रिग्रेट नहीं होता है बाद में कुछ खाने के कि मैंने यार ये सब खा लिया, मुझे तो कंट्रोल करना है, तो ऐसा मुझे कुछ नहीं होता है। क्योंकि एक बाउल सलाद खा लिया तो मुझे लगता है नहीं यार सलाद तो खाया ना, बाद में जो भी खा लो चलो ठीक है। तो बस यहाँ पे सलाद लेके बैठ गई हूँ, और अपना सलाद मैंने खाया, और ये हो रहा है शाम का टाइम। तो मैं नीचे जो थी ना, खाना वाना सब कुछ मेरा बन गया, और मैं मार्केट जाने की तैयारी कर रही थी, और आई यहाँ पे जो है ना जो अक्षय तृतीया है उसमें बनने वाले गेहूं के आटे और गुड़ की पापड़ी, एक तरह का ना बिस्कुटी टाइप रहती है वो, तो बस ये सारी चीज़ें की आई जो है ना प्रिपरेशन कर रही थी। वीडियो जो है ना कल से चल रहा है, मतलब कल शाम से चल रहा है, आज भी शाम हो गई है, और फिर से मैं तैयार हो गई बाहर जाने के लिए, क्योंकि कुछ सामान जो लाया था ना उसे एक्सचेंज कराना है। और अभी आई का दिखाया था कि अभी मतलब सातवड़ी वगैरह की तैयारी जो है ना चालू है, मतलब अभी अक्षय तृतीया में जो जो बनेगा ना चीज़ें, उसमें दो चीज़ अलग होती है, शादी आपने देखी हो, एक होती है गेहूँ के गुड़ की पापड़ी, तो गेहूँ के आटे की पापड़ी, तो वो आई तैयारी कर रही है, अभी अंदर बैठ के आपको दिखाया था मैंने, तो आई वो तैयारी कर रही है। और साथ ही में आई ने अभी जो सातवड़ी का मसाला है ना, मतलब जो मीठा वाला, वो सब कुछ भी करके रख दिया है।
तो बस अभी मार्केट जाती हूँ, जो सामान मुझे चेंज कराना था वो कराती हूँ, और इसके बाद मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, मतलब कल। तो ये था छोटा सा व्लॉग, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।